गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगी। सही है? तो देखिए बताइए इसमें कोई आपको लग रहा है कॉमन आ रहा हो या मल्टीप्लाई करके हम कुछ कॉमन ले लें? बताइए। हाँ, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को लेंगे और यहाँ से तो ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी और यहाँ से सी। फर्स्ट कॉलम जो है तो ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी। तो अंदर क्या आएगा यहाँ पे ए, यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर बी, यहाँ पर बी कॉमन ले लो, सी बी बी प्लस सी, यहाँ से सी कॉमन ले लो, ए प्लस सी ए और सी। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ बच्चों कुछ बन सकता है? ए बी सी तो हमने कॉमन ले लिया, अब बताओ कोई प्रॉपर्टी बन रही हो या जीरो बना सको आप? देखो आप इन्हें रो वाइज ऐड कर दो, बाय अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सही, आर वन की जगह क्या लिखेंगे हम? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो क्या आ जाएंगे? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए, और ये ए प्लस बी बी ए, ये बी बी प्लस सी और सी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आप टू कॉमन ले लीजिए तो टू बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और ये ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी और सी। क्लियर है बच्चों? अब बताओ बच्चों आप कोई प्रॉपर्टी लग सकती है या सीधा एक्सपेंड कर दें? बताइए देखो आप क्या करो, यहाँ पे ले लो R1 वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, तो यहाँ जीरो आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? C। क्लियर है? आ गया समझ? क्या आएगा? बाई अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, ये आ गया जीरो, ये आ गया सी और ये आ गया सी, और यहाँ पर ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी और सी। ठीक है? अब आप यहाँ पे जीरो बना सकते हो बच्चों,
या एक्सपेंड कर दो आप, क्लियर है? तो यहाँ जीरो बन सकती है अभी, कैसे? सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री कर लोगे तो तो ये बच्चे पूरा आपको खुद करना है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गए हमें ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर लिखना है, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 और बी जो है वो दे रखा है 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 2 0 माइनस 2 1 और हमें जो है ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो देखिए आप ये देखिए ए बी का होल इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, बी इनवर्स ए इनवर्स में, तो आप इसको फाइंड करने की बजाय इसे फाइंड आउट कर लो, सही? आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो आप इसको नहीं निकाल के इसको निकाल लो, क्यों? ये जो है इसके बराबर होता है, क्लियर है? तो आपको क्या दे रखा है बच्चों, ए का इनवर्स तो दे रखा है, बी का इनवर्स निकाल लो। तो बी इनवर्स को हम पहले लिखेंगे, ए इनवर्स को बाद में, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, ए बी का होल इनवर्स होगा, सही? आप ऐसे मत करना के पहले इसे ए निकालो फिर ए और बी की मल्टीप्लाई करो फिर उसका इनवर्स निकालो, वो लंबा हो जाएगा काफी, क्लियर है? तो आप क्या करोगे, बी इनवर्स निकाल लो इसका, तरीका आपको आता ही है। बी इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो आप बी इनवर्स निकाल लो, बी इनवर्स को पहले लिखो, ए इनवर्स को बाद में मल्टीप्लाई कर दो, वो ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा, क्लियर है? तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। ये ना काफी लेंथी और नॉर्मली आते भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। अब देखो 8th क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ए इनवर्स के बराबर होगा। समझ लो इसमें लगा एडजॉइंट ए का जो इनवर्स है वो किसके बराबर प्रूफ करना है, में ए इनवर्स के एडजॉइंट के, सही? मतलब समझ लो पहले आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, उस एडजॉइंट को मैं मान लेता हूँ मैट्रिक्स बी, तो हमें यहाँ पर बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, सही? यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए का पहले ए इनवर्स निकाल लूंगा, उसको मान लेते हो मैट्रिक्स सी, तो एडजॉइंट ऑफ सी निकालना है यहां पर हमें, सही? तो ये भी खुद कर लोगे ना आप लोग, ये लेंथी इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं, हाँ अगर नहीं होंगे तो मैं समझा दूंगा आपको।
अच्छा अब देखो सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का जो इनवर्स है उसे हमें ए के बराबर प्रूव करना है। तो देखिए ये कैसे करोगे, हम पहले ए की हेल्प से ए इनवर्स निकाल लेंगे सही, फिर उस इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकाल लेंगे। और वो किसके बराबर आ रहा है, वो ए के बराबर। क्लियर है? तो ये करके देखना, काफी लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ सही। अगर नहीं होंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लगा इवैल्यूएट, इस चीज को हमें इवैल्यूएट करना है इसका। इसे हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है सही। तो बताओ बच्चों इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा के जीरो बन जाए या कोई चीज कॉमन आ जाए। हाँ तो देखो इसमें क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे पहले by applying R1 tends to R1 plus R2 plus R3। हम क्या करेंगे R1 की जगह R1 plus R2 plus R3 लिखेंगे सही। तो क्या आएगा बच्चों, हाँ twice of x plus y, यहाँ पर भी twice of x plus y, यहाँ पर भी twice of x plus y, यहाँ पर y x plus y x, यहाँ पर x plus y x और y सही। अब क्या होगा, ये जो twice of x plus y है ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या आएगा 1 1 1, यहाँ पर y x plus y x, यहाँ पर x plus y x और y। याद ही बात समझ बच्चों, अब बताओ तीन जगह न्यूमेरिकल टर्म्स आ गई, अब हम क्या करेंगे दो जगह जीरो बना देंगे। सही, अब हम क्या करते हैं दो जगह जीरो बना लेते हैं। By applying C1 tends to C1 minus C3 and C2 tends to C2 minus C3 सही। तो अब देखो इसको इससे माइनस करोगे कितना आएगा 0, इसको इससे करेंगे कितना आएगा y minus x, इसको इससे करेंगे कितना आएगा x, फिर इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे y और इसको इससे करेंगे x माइनस y और यहाँ पे 1 x और y। क्लियर है? अब कर दीजिए एक्सपेंड आप। एक्सपेंडिंग अलोंग r1 तो क्या आएगा, ये रो और कॉलम से रख लेंगे, इसको इससे करेंगे ना मल्टीप्लाई बच्चों, अच्छा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से माइनस को मैं ले लूँ तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस का साइन आ गया। और ये माइनस एक्स,
तो देखिए ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन। अब यहाँ फॉर्मूला है ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये कर लो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से माइनस को मैं देखो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया ना बच्चों, ये ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए, सही, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका फॉर्म होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो पहली जो कॉलम है उसके सारे एलिमेंट एवन है, हाँ जी अब बताइए, ये तो काफ़ी इजी है, पूरा जो कॉलम वन है वो वन से बना हुआ है तो दो जगह जीरो बना लो, कैसे, बाई अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर थ्री एंड आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, सही क्या आएगा, जीरो जीरो माइनस एक्स, क्लियर है, यहाँ पर जीरो वाई और ये माइनस एक्स। अब तो कर लोगे बच्चे एक्सपेंड, तो ये बच्चों आपको खुद करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने पहला कॉलम दे रखा है अल्फा बीटा गामा, दूसरे में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और तीसरे में बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और इसे हमें प्रूफ करना है बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सही।
बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, आंसर देख लो। आंसर में बीटा माइनस गामा चाहिए, गामा माइनस अल्फा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो वो कैसे आ सकता है? आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर थ्री, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री। बाई अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर थ्री एंड आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, ये कितना आएगा? अल्फा माइनस गामा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ये गामा माइनस अल्फा, सही। और यहाँ पर बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और अल्फा से अल्फा चला जाएगा गामा माइनस बीटा, ये गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, क्लियर बच्चों? अब देखो ये अल्फा माइनस गामा है, इसका फैक्टर बन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा, ऐसे यहाँ पे बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फा माइनस गामा कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा कॉमन लिया तो वन आ गया, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा और यहाँ माइनस वन बचेगा ना बच्चों, माइनस वन, यहाँ पे बीटा माइनस गामा कॉमन लो वन, बीटा प्लस गामा और माइनस गामा, गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ इसमें फर्दर लग सकती है कोई प्रॉपर्टी? हाँ, आप ले लो आर वन टेस्ट टू आर वन माइनस आर टू, बाई अप्लाइंग आर वन टेस्ट टू आर वन माइनस आर टू, ये आ गया अल्फा माइनस गामा, नेक्स्ट बीटा माइनस गामा, तो इधर माइनस होगा कितना आएगा? जीरो। ये इधर माइनस होगा क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा, ये इससे माइनस होगा क्या आएगा? जीरो, सही। और यहाँ पर वन, बीटा प्लस गामा माइनस वन, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, फिर अच्छो अब तो कर लोगे इसको, आर वन के अलोंग एक्सपेंड कर लो आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, ये आगे अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, देखो हम आर वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो जीरो को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको तो करें पड़ेगी ना जोड़, तो हम क्या करते हैं इसका साइन चेंज कर देते हैं और फिर कॉलम और रो डाल देते हैं, सही। और जो इसका साइन चेंज किया वो यहाँ लिख दिया मैंने। अब बताइए माइनस कहाँ जाएगा? अल्फा माइनस गामा चाहिए, यहाँ पे गामा माइनस अल्फा चाहिए, तो इस माइनस को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस बीटा, ये अभी कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस आगे समझ, ये नोट कर लीजिए फटाफट।
अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट तो x, y, z है, दूसरे के x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, तीसरे के 1 प्लस px क्यूब, 1 प्लस py क्यूब, 1 प्लस pz क्यूब, और इसे हमें प्रूफ करना है 1 प्लस px by z इंटू x माइनस y माइनस इंटू y माइनस z इंटू बाई जेड माइनस एक्स। हाँ जी बताइए कुछ हो सकता है बच्चों इसमें, क्या हो सकता है? हाँ देखो अगर आप ये ले लेते हो आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर थ्री तो एक्स माइनस जेड तो आ जाएगा, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री लेते हो तो वाई माइनस जेड आ जाएगा, सही क्लियर है? तो अच्छा इसका एक और तरीका है, इस तरह का क्वेश्चन कम है इसलिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी जान के पहले लगा दूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको। जब भी हम किसी एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में तोड़ते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, हम किसी एक कॉलम के या रो के एलिमेंट्स को तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कॉलम है सी थ्री, इसके एलिमेंट्स को मैंने तोड़ दिया 1 1 1 और पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू, तो ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे अलग अलग डिटरमिनेंट में चले जाएंगे, सही? मतलब पहले डिटरमिनेंट में तो 1 1 आ गया, दूसरे डिटरमिनेंट में क्या आ गया बच्चों पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू, और बाकी दोनों जो कॉलम है वो एज इट इज। आगे स्पष्ट इसके ना क्वेश्चन कम है इसलिए मैंने पहले ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखिए अब मैं इसको और इसको मैच कराने की कोशिश करता हूँ, कैसे? यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से y और यहाँ से z, तो क्या आएगा 1x px एक्स स्क्वायर, 1y py स्क्वायर, 1z pz स्क्वायर। सही? अब देखो यहाँ से p कॉमन ले लूँ फर्दर, अब देखो ये और ये सेम ही है लगभग, समझ गया क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं यहाँ से x लिया मैंने कॉमन तो इसलिए एक बार आया, यहाँ से y लिया सिर्फ इसलिए एक बार आया, यहाँ से सिर्फ z लिया इसलिए एक बार आया, क्या क्या बात समझ? अच्छा देखो ये दोनों मैच करने चाहिए ना, सही? तो मैं क्या करता हूँ इसको और इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ पहले, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे एक्स वाई, फिर इन दोनों का इंटरचेंज कर लो, क्लियर है? तो अब देखिए ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम है ना, तो इस डिटरमिनेंट को मैं ही कॉमन ले लेता हूँ, इस डिटरमिनेंट को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना? तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब इसे कर लोगे दो जगह जीरो बना के आप एक्सपेंड कर देना आपका आंसर आ जाएगा।
के ऊपर करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। इसे हमें किसके बराबर प्रूफ करना है? 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो देखिए कैसे करोगे, बताओ बच्चों कुछ बन सकता है? ऐड वेड करें इनमें से कुछ आ जाए या जीरो वीरो बन जाएंगे इसका? ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो मुश्किल दिख रहा है वैसे, है ना? ये तो दिख रहा है कि शायद बन जाए, कैसे बताओ? हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और अप्लाई कर देंगे c1 tends to c1 plus c2 plus c3। सही, तो क्या आएगा? a plus b plus c minus a plus b minus a plus c। सही, और यहाँ पर बताओ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना? आगे समझ? अब यहां से कोमा ले लीजिए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी अंदर क्या आएगा? 1 1 1 माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। सही, अब तो बच्चों कर लोगे, इजीली हो जाएगा। कैसे? दो जगह जीरो बनाकर क्या अप्लाई करोगे? बाई अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। दो जगह जीरो बन जाएगी, एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 14 क्वेश्चन बच्चों।
देखिए 14 में जो हमें डिटरमिनेंट दे रखा है उसके फर्स्ट फॉर्म में तो 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q है, दूसरे में 2 3 प्लस 2p 4 प्लस 3p प्लस 2q है, और थर्ड रो में 3 6 प्लस 3p 10 प्लस 6p प्लस 3q है। इसे हमें 1 के बराबर प्रूफ करना है, सही? इसमें ना ज्यादा वो मत करना, कंफ्यूज मत होना। आप सीधा देखो यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल नंबर है, दो जगह जीरो बना लो, खत्म बात, सही? आप देखो ये भाई मैं इसको कैसे तोड़ूंगी या कैसे तोड़ूंगा, फिर फंस जाओगे, सही? आप सीधा देखो यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल नंबर है, दो जगह जीरो बनाओ, कैसे? बाई अप्लाइंग R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करूँगा तो जीरो बन जाएगी, और R2 टेंस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, सही? बाकी अपने आप हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ जीरो, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ जीरो, है ना? 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 7, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 3p, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 0, अब 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 0, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 1, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 0, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ 2, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ p और 0, है ना? और ये 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q, आई बात समझ? अब इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, चलो बताओ। C1 के अलोंग करना, R1 के अलोंग अगर कर दिया तो फिर फायदा ही क्या, दो जगह जीरो बना लेगा, सही? तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो हम ऐसे करेंगे ना बच्चों, 1 को क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, तो 1 आ गया, ए इज प्रूव। अब देखिए नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, में इसे हमें जीरो प्रूफ करना है, सही है? तो कैसे करेंगे, देखो हम इसके ना फॉर्मूला लगा देंगे cos a plus b का, क्लियर है? तो देखिए ये आ गया, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ पे cos a plus b का क्या फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी, साइन बीटा कॉस बीटा, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन गामा कॉस गामा, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का क्या मतलब है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें आसान क्या तरीका है, अब इसे दो जगह ब्रेक कर लो, इसे क्या करो दो जगह ब्रेक कर लो, मतलब इसके दो डिटरमिनेंट बना लो, क्लियर है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड तरीका देख लो, सही, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देख लो, मगर वो छोटा पड़ेगा, सही। उसके लिए हम क्या करते हैं, सी थ्री लेते हैं, सी थ्री टेंस टू सी थ्री, समझ लो बच्चों, बाद में नोट करना, सी थ्री माइनस है ना। अब देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन डेल्टा की पूरे में, और इसको उठा के इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये टर्म कट जाएगी ना, सी टू टेंस टू सी थ्री प्लस साइन डेल्टा टाइम सी वन, और इसमें कॉस डेल्टा की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इधर माइनस कर देता हूँ, माइनस कॉस डेल्टा सी टू। देखो यहाँ पे आप क्या करो, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करो और उठाकर इधर ऐड कर दो, तो ये जीरो हो जाएंगे ना, सारी ये टर्म्स कट जाएंगे ना। अच्छा, इसमें मैं कॉस डेल्टा की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये वाली टर्म्स कट जाएगी, तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो क्या आ जाएगा, सी थ्री जीरो आ जाएगा, तो जीरो आंसर आ जाएगा। आई बस में नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर इसे छोटा हो जाएगा ये। देखो भाई, आप ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा दे रखते हैं ना, अब इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, इससे साइन डेल्टा से और उठाकर ऐड इसमें कर दो, ये टर्म्स कट जाएंगी ना, कट जाएंगी ना। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ पे कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, हाँ करा तो कर सकते हो, जैसे r1 tends to r1 plus x times r2 minus y times r3, ऐसे भी कर सकते हो, सही है। हाँ, ये नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पे भी लिख दो, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सही। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर ये छोटा है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये जीरो जीरो जीरो, सही। अब देखो, इसकी पूरी एक कॉलम जीरो हो गई ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो, अब नेक्स्ट है 16th, किसमें मैंने इसे सॉल्व करना है,
तो देखिए कैसे करोगे, इसे हमें सॉल्व करना है बच्चों, सही। तो सॉल्व करने का मतलब होता है इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे, हम लेट कर लेंगे, 1/x को तो कैपिटल x, 1/y को कैपिटल y, 1/z को सॉरी 1/y को कैपिटल y, 1/z को कैपिटल z। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी बताना, 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4, ये 4x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 1, ये 6x प्लस 9y माइनस 20z इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व कर लोगे ना मैट्रिक्स मेथड से, जो आपकी वैल्यू आएगी वो कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z आएगी, उनका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो x y z आ जाएगा। इसमें मैट्रिक्स मेथड को लगा दोगे, 4.6 एक्सरसाइज।